यार, जिनमें उत्साह नहीं होता उनके मित्र भी उनके शत्रु हो जाते हैं, और जिनमें उत्साह होता है उनके शत्रु भी उनकी मित्रता स्वीकार करते हैं। तो आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं उत्साह की। तो आइए हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की लिखी ये कविता उत्साह। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उत्साह कविता, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इनकी रचना है उत्साह, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो जोश और खुशी भर देना है। अब यहाँ पर उत्साह कविता में बादलों को जो है वो कवि ने माध्यम बनाया है, और बादल शब्द का जो प्रयोग किया है वो दो अर्थों में है कि एक अर्थ में तो जो बादल है जहाँ वो तपती हुई धरती की प्यास बुझाने वाले हैं, और वहीं दूसरी ओर जो कवि है वो बादल रूप में कवियों को समाज में नई चेतना लाने के लिए कहते हैं। तो अब बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले पाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब देखिए यहाँ पर जो बादल के गरजने की बात की गई है तो वो क्यों की गई है, बादल जो है वो सीधे ही कवि जो है उसे गरजा रहा है, क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि कवि जो है बादलों से रिमझिम बरसने फुहार बरसाने इसके लिए नहीं कहता है, इसके स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है। क्योंकि समाज में जो परिवर्तन लाना होता है, जिसे हम कहते हैं कि अमूल चूक जो परिवर्तन लाना है, वो हल्की फुहार या रिमझिम वाली जो बरसात है उससे जो है वो धरती की आग नहीं बुझती है, परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि आग जो है वो और भड़क जाती है। तो यहाँ कवि जो है बादलों से गरजने की प्रार्थना करता है ताकि जो है वो वातावरण में भी परिवर्तन आए, और साथ ही साथ समाज में भी जो है नई क्रांति और हलचल जो है वो इरादों में लाई जा सके। तो जन जागृति का जो बिगुल बजाना है या उसकी चेतना जगाने के लिए कवियों की जो है ओजस्वी रचनाएं चाहिए, कुछ ऐसी रचनाएं चाहिए जिससे मन में जो है वो एक क्रांति का भाव उत्पन्न हो, जोश उत्पन्न हो, और जो समाज है वो परिवर्तन की ओर चले। तो यहाँ पर हम कविता के सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि घोर जो है वो भयंकर है, गगन आसमान है, धारा धर यानी धारा को धारण करने वाले बादल, और ललित सुंदर है, विद्युत का अर्थ है बिजली, नव जीवन यानी नया जीवन है, वज्र कठोर है और नूतन नई है। अब यहाँ पर कवि जो है, अब हम इसका सरलार्थ देख लेते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो। अब यहाँ कवि कहते हैं कि हे बादल जो है आप मूसलाधार बरसात करो, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं बादलों से कि आप मूसलाधार बरसो। वो चाहते हैं कि बादलों की गर्जना से जो आकाश का एक एक कोना है ना, घेर घेर घोर गगन, जो आकाश का एक एक कोना है वो भर जाए और बरसे, जोर से बरसे। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगली लाइन में हम देख लेते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पर जो है वो बादल बच्चों की सुंदर कल्पनाओं को धारण करते हैं ना, वो काले काले जो काले काले बादल आ रहे हैं आसमान में, वो कवि को कैसे लग रहे हैं कि काले काले घुंघराले वाले बालों की तरह, एक जो बच्चा है उसके जो काले काले बाल हैं घुंघरालों की तरह वो बादल लग रहे हैं। अब विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अब जो बादलों के बीच में जो छिपी हुई बिजली की चमक है वो जो उन्हें और भी विशेष बना देती है ना, और कवि जो है वो ये आस रखता है कि यह जो है लोगों में भी जो है ये बिजली जो है वो चमक दिखाई देनी चाहिए। कवि महसूस करता है कि समाज में भी कुछ ऐसे ही इरादे हों ताकि धरती को जो है वो नया जीवन दिया जा सके, है ना। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब वो कह रहे हैं कि जैसे बादल जो है वर्षा करके सभी को नया जीवन देते हैं, है ना, जो प्यासे जन हैं पीड़ित प्यासे हैं उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार कवि, ही कवि जो है वो तुम संसार में अपनी कविता के माध्यम से
जो है वो नया जीवन भर दो। और जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है ना, उसी प्रकार कवि यानी कि तुम जो हो कवि, कवियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अपनी नई कविता से जो है वो अपनी जो भावनाओं में वज्र छिपा कर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समुचे संसार को जोश से भर दो। और इसी तरह हम अब अगला इसका काव्यांश देख लेते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गर्जो। अब यहाँ शब्दों के सब सर्वप्रथम हम अर्थ देखेंगे कि विकल यानी बेचैन, उन्मन यानी कि उदास मन, निदाघ गर्मी, सकल सारे, अज्ञात अनजान और अनंत यानी कि आकाश को कहा गया है, तप्त यानी जलती हुई और धरा यानी पृथ्वी। अब यहाँ पर जो है कवि जो है चारों ओर जो वातावरण में बेचैनी है, लोग जो है वो गर्मी से परेशान है, मन दुखी है ना, तो जो बेचैन है विकल यानी यहाँ पर हो गया विकल हो गया, उदास यानी उनमें जो लोग हैं गर्मी के कारण उदास हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर संसार के जो सब लोग बादलों के न बरसने से बेचैन और उदास थे, जो धरती जो है वो तवे की तरह जल रही थी, है ना, तो ऐसे में जो अज्ञात दिशा से आने वाले बादल हैं वो उमड़ घुमड़ कर जो है वो आकाश में छा जाते हैं। और जो वो कवि कहता है कि ऐसे बरसो कि धरती जो है वो जलमग्न हो जाए, है ना, तृप्त हो जाए, और प्यासी जो धरती है उसकी प्यास शांत हो जाए, यानी कि जो तपती हुई धरती है वो ठंडक महसूस करे, है ना। तो जो इसी प्रकार जो मन में लोगों के जो दुख है ना, जो मन में बेचैनी है, वो अपने कविता के माध्यम से कुछ ऐसा करो कि मन में जो है वो लोगों के मन में शीतलता प्रदान करे, उन्हें सुखी कर दे। तो इस तरह जो ये बादल कविता है उसका आज हमने जो है वो सरलार्थ देखा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब इसके साथ ही साथ हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। आधुनिक काल के कवि निराला द्वारा रचित कविता है, और कवि ने जो है बादल को प्यासे लोगों की प्यास बुझाने वाला कहा है, और वही जो है वो समाज में एक नई क्रांति लाने वाला भी माना है। अब कविता जो है वो एक आह्वान गीत है। अब देखिए लघु होते हुए भी बहुत प्रभावशाली है, और संवाद शैली में एकालाप का प्रयोग किया गया है। अब खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन साथ ही साथ तत्सम तद्भव शब्दों जैसे कि ललित है, धाराधर है, कल्पना है, शीतल है, नूतन है, ऐसे आदि शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। कविता जो है वो छंद मुक्त है, भाषा में गीतात्मकता का गुण है, नाद सौंदर्य जो है कविता में विशेष रस जो है उसको भर देता है, चित्रात्मक शैली का सुंदर अंकन किया गया है, कविता में ओज गुण है, है ना, विभिन्न अलंकार जो है वो अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है ना, और जैसे ललित है इसमें जो है वो पुनरुक्ति अलंकार है, तो विभिन्न अलंकारों द्वारा जो है वो कविता सुंदर बनती है। तो इस तरह जो है वो निराला की जो है काव्य की जो शिल्प विशेषताएं हैं और कविता की जो काव्य सौंदर्य है वो हम यहाँ पर समझते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।